अश्वनी जी, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं मेरे पैनल में, सब कानून को ही कोट कर रहे हैं, सब संविधान को ही कोट कर रहे हैं। आप कोई एक कानून के मुताबिक बात कर रहा होगा, आप कानून सबके लिहाज से तो हो नहीं सकता है। असल में इस मामले की सच्चाई है क्या? देखिए, इस मामले को लड़ रहे हरिशंकर जैन जी है, वो साक्षात आपके सामने बैठे हुए हैं। हरिशंकर जी दलील तैयार करते हैं, हरिशंकर जी का बेटा विष्णु जैन वो वहां दलील देता है, वो उसको भी आप बुला सकते हैं। हाँ, मैं भी कभी कभी जाता रहता हूँ, हरिशंकर जी से मिलता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ क्या क्या हो गया है, तो वही मुझे बताते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी सीधी सी बात है, 1993 में जहां पूजा बंद हुई उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर मुलायम सिंह के बारे में कुछ बोल देंगे तो अखिलेश यादव इनको अगले चुनाव में पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए मुलायम सिंह के बारे में इनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक बार ये नहीं कह रहे हैं मुलायम सिंह क्यों बंद कर, बिल्कुल, और कोई सवाल कोई मुलायम सिंह का हामी नहीं है, कोई मुलायम सिंह का यहाँ हामी नहीं है। हाँ तो बोलो ना कि 93 में गलत हुआ था। नहीं, 93 में नहीं, 93 में ऐसी पूजा हो रही थी क्या? जैसी पूजा शुरू हुई है बताइए, पूजा पूजा होती है नहीं, ऐसी पूजा हो रही थी पूजा इस तरीके से पूजा सब जाने, साफ साफ कह दिया अश्वनी जी और अमिताभ जी। एक तो आप सुनते नहीं है, आपसे मेरी बार बार बहस इसी बात को लेकर होती है। अब ये आप तो नहीं तय कर देंगे ना मुमताज आलम रिजवी जी, देश में हिंदुओं को कैसे पूजा करनी और कैसे पूजा नहीं करनी है? आप कल को कोई ये तय कर दे कि आपको कैसे नमाज पढ़नी है और कैसे नमाज नहीं पढ़नी है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वादे कर दिया है मुमताज जी, सुनेंगे कह दिया है, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस देश में क्या आप ये तय करेंगे आपके हिंदुओं को कैसे पूजा करनी है और कैसे पूजा नहीं करनी है? कल को कोई ये तय कर दे कि आपको मस्जिद कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। एक मिनट देखिए, ऐसा है, एक मिनट प्राची जी, मुमताज जी ने पॉइंट उठाया, बस एक मिनट प्राची जी, हम ये तय नहीं कर रहे हैं। ये जो तय कर रही है सरकार, इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव इसके हाथ से जा रहा है, चुनाव पर तुम्हें लग रहा है कि अयोध्या के आप इतनी जल्दी मुद्दे इतनी जल्दी आप मुद्दे भटका देते हैं, कभी आप स्वरूप पर कभी आप पूजा के तरीके पर सवाल खड़े कर देते हैं। अश्वनी जी, अब कंप्लीट करने दीजिए, अब कंप्लीट करने दीजिए अश्वनी जी। अच्छा रुकिए मुमताज जी, देखिए शोर शराबे से चर्चा नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल। अश्वनी जी कंप्लीट करिए। देखिए, पहली बात तो ये है, जितना जल्दी इस बात को मान ले कि ये जितने बहसी दरिंदे आए थे, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उस पर विश्वास कर ले। और हम कहते हैं सरकार पे विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है, हिंदुस्तान आरएसएस के चीफ के विश्वास करिए, आपको बाबर पे भी भरोसा नहीं, अफगानिस्तान भरोसा नहीं, झूठा भारत की सरकार पे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। अरे भाई, अखंड भारत रहना अल्टीमेटली आपको भारत में, और उस ईरान के भाई आजी खान।